This video will be about how to prepare, what is an ideal way to prepare for AFCAT, and there is a special giveaway. Because of him, many people have been recommended and many people have gone to the academy. Okay, so he is kind of a Fauji Factory. He is kind of a founder of a Fauji Factory. उनको रिटर्न के लिए मेंटरशिप की और मैंने ना लेक्चर में बस एक लाइन ये बोल दी थी कि यार रिटर्न तो सब क्लियर कर लेते हैं, मेहनत की चीज है, एसएसबी के लिए डे वन से लग जाओ, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, रिटर्न तो मैं कर लूंगा कर लूंगी, एसएसबी भी मुझे करना है, तो वो चीज डेवलप करो। उस लड़की को बात इतनी ज्यादा हिट हो गई सर, लाइक 3 अटेम्प्ट में 3 रिकमेंडेशन, एक आर्मी, एक एयरफोर्स, एक नेवी। ठीक है, आइदर ऑफ द टू क्वेश्चंस का आंसर दीजिए एंड जो बेस्ट 3 आंसर्स होंगे उनको डिफेंस मैनिया पिक करेगा एंड दे विल बी गिवन अ गिव अवे ऑफ फ्री गाइडेंस। तू चलता जा, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक XND हूँ और नेशनल डिफेंस अकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। आज फौजी शो पे एक बड़े स्पेशल गेस्ट आए हैं हमारे साथ। इनका नाम है साहिल कुमार। ये पास आउट ऑफ 12th इन 2014, ग्रेजुएशन की इन्होंने 2017 तक, एंड नाउ ही हैज़ मेड अ स्टार्टअप। इट इज़ काइंड ऑफ अ एडटेक स्टार्टअप एंड यू गाइज मस्ट बी नोइंग इट। इट्स कॉल्ड डिफेंस मेनिया। They have over 1 lakh subscribers on YouTube and over 13,000 following on Instagram. So they are quite hot, and everyone in the defense faculty, in defense edtech facility, they know him and his team also. So Sahil, welcome to the Fauji Show. Thank you, sir. Great. So guys, he is the first guy on our show who has not been recommended. But he, because of him, many people have been recommended and many people have gone to the academy. Okay, so he is kind of a Fauji Factory. He is kind of a founder of a Fauji Factory. Okay, so now today is a very special episode because we would be not talking about SSB in generic, but we would be talking about CDS and AFCAT, as he has cleared CDS exams 6 times, 6 out of 6, and AFCAT 7 out of 7. So that kind of makes him the written examination expert. So we would be talking about AFCAT entry in this video, and the next video we will be talking about CDS with his partner, co-founder. And also there is a special giveaway by Defence Mania, and it is very interesting. This is, I repeat, this is not a paid promotion, but there is a giveaway. And I really like their program, so I thought that who better than Sahil to come up on our show and tell how to clear AFCAT exam, because he's kind of an expert. 7 out of 7 times, that must have been a record actually in our country. So nice to have you, Sahil, on the show. And Sahil, please tell us about yourself and your journey. सर ये मतलब जब मैं बच्चों से बात करता हूँ ना, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि आपको ये फौज को लेके मतलब मोटिवेशन कहाँ से आया। सब लोग बोल रहे होते हैं बचपन से है, ऐसा है। मेरे साथ तो थोड़ा सा डिफरेंट केस था। पापा के बाद एक मतलब नॉर्मल जॉब के सर्च में है, एंड देन भैया एयरफोर्स ज्वाइन करता है, एंड वो फिर एक ऑफिसर एंट्री के बारे में बताता है कि भाई देखो इसमें ऐसा ऐसा है और ये काफी अच्छी चीज है। वहां से मेरा मोटिवेशन शुरू होता है। फर्स्ट ईयर में पता चलता है, देन NCC लेता हूँ मैं, और उसके बाद एक मन में होता है ना, जब हम कोई ग्रेजुएट होकर सोचता है कि मुझे CDS देना है, AFCAT देना है, तो सिर्फ फर्स्ट ईयर एक तैयारी शुरू हो जाती है कि यार मुझे AFCAT भी देना है, CDS देना है। मतलब मैं देखने लगता हूँ कि मेरे कितने अटेम्प्ट्स बचे, क्या क्या चीजें बची हैं। आई गेस यही वो चीज थी जिसने एक जो लॉन्ग टाइम की प्रिपरेशन की, भाई पहले से माइंडसेट था वो कि नहीं यार ग्रेजुएट होते ही मुझे ये एंट्री मिलेंगी, क्या सब्जेक्ट लिया मैंने, मुझे NCC क्यों लेना था, ये सब करके तभी ये जो 6 टाइम्स और 7 टाइम्स का टैग लग जाता है ना, आई गेस इसके पीछे थोड़ा सा बस यही होता है मोटिवेशन कि हम प्लान कर लेते हैं चीजों को एडवांस में। ग्रेट यार, मैं बेसिकली ये मतलब सिंपल साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैंने फिजिक्स में ऑनर्स करा हुआ है अपने वहीं पास की यूनिवर्सिटी से, और एनसीसी में आरडीसी तक गया, बहुत सारी चीजें करी वहां पर भी, बट एक जो अल्टीमेट चीजें होती है कि नहीं, जब आया कि दिमाग में कि यार ये चीजें हो रही है साथ में, लाइक एसएसबी ट्राई करे, 11 अटेम्प्ट्स दिए, देन ये इसी बीच में दोस्तों को गाइड करा, समझाया उनको, फिर ये रियलाइज हुआ कि यार इस पार्ट में मैं अच्छा हूँ, मेरी समझाई हुई चीजें समझ पा रही, स्पेशली सर मैथ्स वाला पार्ट, मतलब ऐसे होता है ना कि जो दोस्त लोग हैं उनका तो मैथ्स देखते ही हवा गुल कि उनको चक्कर आ रहे हैं, फिर उनको बहुत बेसिक से समझा देना कि यार देखो ये ऐसे ऐसे करके नंबर सा गेम में हो जाएगा। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई, ये आते आते कब मतलब 0 से शुरू करके 1 लाख तक पहुंच गई है डिफेंस वाली, डिफेंस बना की फैमिली, तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, बट सर अब अच्छा लगता है ये करने में, ये मतलब अब पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा। ग्रेट यार, ग्रेट। सो कितने बच्चे आपके पास होंगे टोटल इस समय आपके ऑफलाइन सेंटर में? सर अभी 1 मई को हमारा बैच आने वाला है, और इसमें मतलब हमने मिनी क्लासरूम प्लान किया कि मैक्सिमम हम किसी बैच में 30 बच्चों को ही प्लान कर सकते हैं। तो बस अभी एनरोलमेंट इनका स्टार्ट है, आई गेस अब एफकेट की ऑलमोस्ट सीटें फुल हैं, सीडीएस में कुछ सीटें बची हुई हैं, और ऑनलाइन तो है ही सर। ग्रेट। एंड ऑनलाइन हाउ मेनी किड्स यू गाइस मस्ट बी गाइडिंग? सर मतलब जो एनरोल होते हैं या जिन्होंने क्लियर किया, जिन्होंने एनरोल किया है। अच्छा सर, ये नंबर सर अगर मल्टीपल बैचेस के बोलूं तो ये सर बहुत ज्यादा हो जाता है, इट्स लाइक मोर देन 3000। ओह वंडरफुल। एंड हाउ मेनी किड्स हैव क्लियर्ड इट? सर लास्ट एफकेट जो भी हुआ है, एफकेट 122 का, इसमें केवल डिफेंस मेनिया के ही 1049 प्लस बच्चे थे, जिनके स्क्रीनशॉट हमने लगाए हैं वीडियो 1049 एंड 258 द हाईएस्ट स्कोर फ्रॉम डिफेंस में। देखो पता है साहिल, मैं मतलब व्हाई आई एग्रीड टू दिस special episode with you, because I wanted to do something like that, something like what you guys are doing in that price range, because उस price range में market में ज़्यादा कोई है नहीं, and when I saw your thing, Sandeep told me about you guys, so I saw your website, I checked it out and saw कि यार कितने comfortable price है, everyone can afford it. And that's when I dropped my idea. There is always already a guy who is doing good job, so no need to interfere in his business. And you know, great going, buddy. And how about in CDS? Sir, CDS ka like result and result ka. Sir, CDS में ना मतलब OTA और IMA का मैं बताऊँ तो लास्ट टाइम में जो आपका सीरियस हुआ, जो हमने जो रिजल्ट फेस जो रिजल्ट देखा उसमें अराउंड 300 प्लस में ऐसे कुछ सिलेक्शन थे, 300 के आसपास। माय गॉड, मतलब सर इतने। ग्रेट साहिल। और साहिल कैसा लगता है जब यू नो तेरा ड्रीम पूरा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, बट कैसा लगता है जब कोई बच्चा आता है रेकमेंड होकर तेरे से मिलने, हाउ इज दैट फीलिंग? नहीं सर, ये मतलब एक जो फीलिंग होती है ना, जो हम लोग जब एसएसबी के टाइम पे मैं सोचता था कि जब कॉन्फ्रेंस के बाद जब हम उस हॉल में बैठे हैं और वो चेस्ट नंबर बुला रहे होते हैं, तो दिल धक धक कर रहा होता है कि अब शायद मेरा नाम ले ले और मैं ऐसे खड़ा होकर अपना रोल नंबर और ये बोल दूं। तो ये चीज तो आई गेस इस चीज के सपने सभी को आते होंगे, कोई हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को आते होंगे कि एक दिन ऐसा आएगा। तो अभी सर रिसेंटली मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक गर्ल, एक लड़की अपनी स्टूडेंट है, अंशिका शागवान। So, मैं ये सोचता हूँ कि जब एक छोटी सी बात थी, उनको रिटर्न के लिए मेंटरशिप किया, और मैंने ना लेक्चर में बस एक लाइन ये बोल दी थी कि यार रिटर्न तो सब क्लियर कर लेते हैं, मेहनत की चीज है, एसएसबी के लिए डे 1 से लग जाओ, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, रिटर्न तो मैं कर लूंगी, एसएसबी भी मुझे करना है, तो वो चीज डेवलप करो। उस लड़की को बात इतनी ज्यादा हिट हो गई सर, लाइक 3 अटेम्प्ट में 3 रिकमेंडेशन, 1 आर्मी, 1 एयरफोर्स, 1 नहीं। Amazing. तो जब उसने ये न्यूज़ बताई ना फोन करके, तो इट्स लाइक कि सर मैं अब तीनों में जा सकती हूँ। मैं सर मतलब एक होता है ना अंदर से, एक बार को तो अभी भी स्टिल मेरे एसएसबी के अटेम्प्ट्स हैं, अभी जो एंट्री आई हुई है, अब तो नहीं जा रहा, थोड़ा मेडिकल का अभी वो आ गया, तो फिर सोचा कि यार अब ये भी पंगा है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा, जिस चीज में अच्छा कर उसमें करूँ। बट जब ये सुनता हूँ ना रिसेंटली, उसके बाद फिर रैंक 3 थी, आई गेस तनवीर कौर, सी मैसेज में कि आई फॉलोड योर सीरियस एंड ऑल, शिवानी का लेक्चर आया, रिटर्न के लिए मैंने तुमसे प्रिपेयर किया, रैंक 3। तो ये तो सर अंदर से मतलब ये मोटिवेशन देते हैं कि यार अब तो करना है इनके लिए जो करना है। अमेजिंग। सो अब जिसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है, सो गाइज जस्ट टू टेल यू that this video will be about how to prepare, what is an ideal way to prepare for AFCAT. And there is a special giveaway. 3 candidates. आप लोग comment section में लिखिए why you want to join Air Force and what gives you that kick. ठीक है, either of the two questions का आंसर दीजिए and जो बेस्ट 3 आंसर्स होंगे उनको डिफेंस मैनिया पिक करेगा एंड दे विल बी गिवन अ गिव अवे ऑफ फ्री गाइडेंस. ठीक है, फ्री उनका होगा जो उनका एजुकेशनल कोर्स है जो एफकैट का, वो 3 बच्चों का डिफेंस मैनिया संभालेगा. सो आप ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर एंड डिफेंस मैनिया विल पिक 3 किड्स एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू थ्रू कमेंट सेक्शन ओनली. ठीक है, सो कमेंट लिख के ध्यान रखना, तो मैं कोई रिप्लाई ईमेल भेजेगा. ठीक है, ओके. सो साहिल, जस्ट टेल मी कि व्हाट आर द बुक्स एंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर एफकैट. सर, एफकैट को लेके ना मैं एक चीज क्लियर करता हूँ. मैंने डिफेंस के अलावा एफकैट सीरीज के अलावा बहुत सारे एग्जाम और भी दिए. Okay. मतलब एक होता है ना कि जो एसएससी सीएसएल का भी दे रहा हूँ, बस ग्रुप बी वाला नहीं गया, इसके अलावा जितने एग्जाम गवर्नमेंट होते हैं ना सारी दे दी है. तो जब वो भी क्लियर हुए ना, मुझे एक चीज ये रियलाइज हुई कि एफकेट ना, मुझे कम से कम अगर ऐसा लगता है कि अगर आपको ऑफिसर बनना है तो इंडिया में तो एफकेट सबसे इजीएस्ट एग्जाम, इससे ज्यादा एग्जाम आपको इजी नहीं मिलेगा. इट जस्ट लाइक कि आपको अपने पेपर में 50% स्कोर करना है, आप हो जाओगे. प्रॉब्लम इज कि लोग ना इस चीज को समझते नहीं है और जो की पॉइंट्स हैं जो एफकेट वाले खुद बोल रहे हैं कि भैया आपको ऐसा ऐसा करना है, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, उसको भूल के सब लोग बुक्स की तरफ कि ये पढ़ लूंगा वो पढ़ लूंगा. एक एस्पिरेंट माइंडसेट ना हमें समझना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, जो अरिथमेटिक बेसिकली एफकेट में आती है, वही सीडीएस में भी आ रही है, किसी बैंक एग्जाम में भी आ रही है, रेलवे भी पूछता है, एसएससी भी पूछता है. फिल्टर वहां करना है कि मुझे एफकेट के लिए कितना पढ़ना है. अब एक माइंड में हमारे आया कि फिल्टर करके कितना पढ़ना है. अब सबके, अब मैं, मुझसे पूछते हैं सर कैसे फिल्टर करेंगे, कैसे पता चलेगा, हम तो फ्रेशर हैं. इसके लिए n नंबर ऑफ जो प्रीवियस ईयर की एक सिंपल सी बुक आती है, प्रीवियस ईयर कोई भी उठा लिया, देख लिया आपने क्वेश्चन के पैटर्न कैसे हैं और आपने एक अंदाजा लगा लिया. अब आपके माइंड में एक बाउंड्री सेट हो गई कि भैया ये प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसमें एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चन आ गए. एंड एफकेट का बेस्ट पार्ट ये है ना सर कि वो पैटर्न सेम उठाएगा क्वेश्चन का. अब ना ईयर बाय ईयर क्या कर रहा है कि डिफिकल्टी लेवल, कैलकुलेशन, इसको इंक्रीज करते हुए जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, बट सेट ऑफ क्वेश्चंस बहुत इजी उठाता है. बेसिकली 4 पार्ट उसमें पूछेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके का पोर्शन. इन 4 पार्टों में ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर बुक को आप उठा लो जो आपके पास घर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए पड़ी. अब जैसे कि मुझे लगता है कि लूसेंट तो हर किसी के घर में मिली जाएगी, तो ब्लू वाली बुक तो ऐसा ग्रंथ की तरह मिलती है, सबके घर में मिल जाती है. तो आपके पास जो बुक है आप उससे डेडिकेटली पढ़ के तैयारी कर सकते हो. बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, आपका जो बेसिक नॉलेज है वो आपके लिए बहुत काम आएगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका कॉन्फिडेंस है पेपर को लेके कि भाई मुझे चीजें सेलेक्टिवली पढ़नी है और ये मुझे क्वालिफाई कराएंगी, तो वो बहुत काम आएगा सर. ग्रेट. मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया पर्सनली, तो मुझे बुक्स का ध्यान भी नहीं है. अगर मैं सही बताऊं तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आई गेस पीडीएफ बहुत इजीली मिल जाती है, तो उससे एक बार आप क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हैं. बाकी बहुत कुछ उसमें हार्ड एंड नहीं है, क्योंकि होता है ना कि अगर मैं कोई बुक बोलूं तो फिर वो बुक ही प्रैक्टिस करने लग जाएगी, तो बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा उनके लिए, बोलेगा सर एक बुक ही खत्म करी, आपने ये बता दिया ऐसे करके. बिल्कुल. तो यार साहिल, व्हाट इज एन आइडियल वे टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करें और कितना टाइम चाहिए और क्या कैसे पढ़े, कोई पढ़ने का तरीका, कोई रिसोर्स कहाँ से, अगर तू तो क्या करता. हाँ सर, मैं बता रहा हूँ जैसे कि तैयारी के लिए स्पेशली मुझे किसी की नीड नहीं पड़ी कि मैंने बस ये देखा कि पेपर का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है. जैसे कि अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, इस बार क्या हुआ कि जो एफकेट सेट पैटर्न फॉलो कर रहा था एफकेट ने बिल्कुल चेंज कर दिया. एकदम सॉफ्ट था, सबके लिए एकदम चोट लगी कि भैया ये तो पूरा पेपर ही चेंज कर दिया इन लोगों ने. बट फिर भी अब सर डायरेक्शन टेस्ट होता है रीजनिंग में, टॉपिक कि राम एक बंदा है, वो 50 मीटर नॉर्थ जाता है फिर साउथ जाता है. अब इसमें कोई किसी को क्या सिखाएगा, ये बेसिक कॉमन सेंस है कि भाई 50 मीटर नॉर्थ की साइड गया, फिर राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट आया, फिर 50 मीटर गया, बताओ किधर है. ब्लड रिलेशन हो गया, वही पूछ रहे हैं आपके ताई, चाचा के, फूफा, मौसी के बेटे, आपका क्या है. तो सर ये कुछ चीजें है ना जो बेसिक वाली है, इसको कोई रटवा नहीं सकता. जो बेसिक मेंटल एबिलिटी होती है ना कि आप सोच पा रहे हो कि नहीं, लॉजिकल जो रीजनिंग होती है. हाँ, कुछ चीजें सीखने वाली हैं. हम लोग क्या करते हैं ना, एक इन जनरल जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी वीडियोज बना देते हैं कि भाई ये पेपर का पैटर्न है, इसमें आपको ये पोर्शन पढ़ना है, ये पोर्शन पढ़ना है. तो मैं ये देखता हूँ ना कि जब भी मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं कि भाई लास्ट 60 डेज में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, 30 डेज बचे हैं कैसे पढ़ाई करनी है, ये वीडियोस ना बहुत व्यूज लेके आती है, 80,000 बहुत व्यूज लेके आती है। तो मैं क्या समझता हूँ कि मतलब ये इतने सारे बच्चे ये हैं जो डे वन से नहीं लगे हुए थे, अब इनको 30 दिन के अंदर टॉप मारना, ये इतने वाले जो 30 दिन के अंदर टॉप मारना है। तो मैं ये बोलूंगा कि अभी तो सफिशिएंट टाइम है भाई, और स्ट्रेटजी वीडियो यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगी हमारे, जाके देखो एक बार सिलेबस क्या है, सिलेबस को नोट डाउन करो और हर चीज तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें जो पढ़ना है। मैंने मैराथन में चैनल पे लगभग सारा कंटेंट पढ़ा दिया है, और जो नहीं होगा वो वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर पढ़ाता भी हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, एनालॉजी हो गई, ऑड वन आउट हो गया, इंग्लिश की बात करो तो इडियम्स हो गए, वर्ड्स हो गए, मैथ्स में प्रैक्टिस पेपर, ये आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप जाके उनको चुपचाप से प्रैक्टिस करते रहो। कोई ऐसा बहुत वो नहीं है कि सर मुझे ऐसा लगता है ना कि कोचिंग की नीड नहीं होती है, बस वो ना एक माहौल वाला है, आप भी जानते हैं जैसे आपने अगर प्लान किया होगा तो एक कम्युनिटी बन जाती है और एक माहौल बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तो कोई ज्ञान नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत मैथ्स का है तो वो तो मैं कराते रहता हूँ। ग्रेट। सो यार साहिल, जैसे जनरल अवेयरनेस है तो इसमें मैं देख रहा हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, तो इनकी तैयारी कैसे की जाए? मैं बता रहा था सर, अभी जैसे अगर मैं लास्ट पेपर की बात करूँ तो एफकेट ना एक पैटर्न पे आ रहा था, जैसे अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ तो इन जनरल क्या पूछ लेते हैं कि इस गेम में, इस पर्टिकुलर गेम में कितने प्लेयर होते हैं, इनका एक क्वेश्चन ये फिक्स होगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि ये जो टर्म है वो किस गेम से एसोसिएटेड है, एक क्वेश्चन ये पूछ लेंगे। ये टूर्नामेंट कौन से गेम से, जो हमारे अच्छे गेम्स है, ओलंपिक्स वगैरह हो गए, कॉमनवेल्थ हो गया, फीफा वगैरह, इसका ये पूछ लेंगे ये स्टार्ट कब हुए थे, पहली सिटी में कब हुआ था। तो जब इस पूरे पेपर को हम एनालाइज करते तो हमें दिखता है कि यार इसमें ना स्ट्रैटेजी के बहुत है। ये हिस्ट्री तो पूछ रहे हैं, बट हिस्ट्री पूछ क्या रहे हैं कि बताओ, सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि अगर मेडिवल इंडिया में तो बहुत कुछ है, बट पूछा क्या कि यार अकबरनामा किसने किया था, ये बाबर के ऊपर जो किताब थी उसका नाम क्या था, किसने लिखी। मतलब वो फैक्ट्स जो हमने बचपन में पढ़े थे या फिर जिन्हों ऐसे होता है वो क्वेश्चन जिनको देख के लगता है यार कहीं ना कहीं देखा तो था लेकिन अभी याद नहीं है मुझे, वो वाले क्वेश्चन जो होते हैं यार ये सुना तो था। अभी अगर कोई बोले जलिया वाला बाग तुरंत बता देगी 13 अप्रैल 1919, बट कुछ लोगों को नहीं याद होगा। तो ऐसे कॉमन फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो स्टैटिक जीके फोकस करना है। उसमें कुछ पोर्शन, अगर फौज की तैयारी कर रहे हो तो कौन सा टैंक, कौन सा मिसाइल, कौन सा प्लेन हम खरीद के लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, उसकी क्या रेंज होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टूड है। हमारी एक्सरसाइज क्या होती है आर्मी एयरफोर्स नेवी की, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे एयरफोर्स आर्मी नेवी के रैंक्स क्या है, उनकी इक्विवेलेंट रैंक्स क्या है, इवन जो सोल्जर्स हैं उनकी क्या रैंक्स है, ये अंडरस्टूड आपको पता होने चाहिए। अवार्ड एंड ऑनर्स कौन कौन से मिलते हैं फौज में, पता होना चाहिए। सिविलियन के अवार्ड कौन से होते हैं, पता होना चाहिए। तो जो चीजें एकदम एक डिफेंस एस्पिरेंट से एक्सपेक्टेड है, हमारा कौन सा वॉर हुआ, कौन सा ऑपरेशन हुआ, ये एफकेट में यही पूछते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी के कुछ पोर्शन है, बहुत ज्यादा भी सिलेबस नहीं है, बट इन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया है, तो जो नॉर्मल तैयारी में बच्चा लगा हुआ है ना वो एक्सेल कर जाता है इसमें, क्योंकि वो हर चीज देख रहा होता है, एसएसबी का भी देख रहा है, तो उसको समझ में आएगा कि भाई ये मिसाइल कहाँ से लेके आई है। तो जैसे पॉलिटी वगैरह की लक्ष्मीकांत एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, वही बहुत नॉर्मल सा कि प्रेसिडेंट अपना ये जो रेजिग्नेशन किसको सौंपता है। अब अगर पूरी पॉलिटी में अगर एमसीक्यू हमने क्या किया ना, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में अब पूरी एम लक्ष्मीकांत आते पूरी बुक हो गई, तो मैंने क्या प्रोवाइड किया है पॉलिटी में शॉर्ट वीडियोस जिसमें केवल फैक्ट के बारे में बात हो रही है। क्या बात होगी, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, कौन करता है इलेक्ट, ये रेजिग्नेशन किसको देंगे, वो हट गए तो कौन आएगा, बहुत शॉर्ट किस वीडियोस, तो ये हेल्प करेंगी इसमें। बेसिक फैक्ट्स, बहुत डीप में नहीं, सीरीज में नहीं, स्टेटमेंट वाइज चले जाए, बस फैक्ट्स। ओके। सो साहिल, ऐसा क्यों है कि जो एस्पिरेंट है वो क्यों नहीं पेपर क्लियर कर पा रहा, वो क्या गलतियां करता है जनरली? सर बेसिकली जब मैं आपको बता रहा था कि एफकेट का एक बार जो मतलब एफकेट सबसे इजी एग्जाम लगता है मुझे, उसके बाद भी कोई क्लियर नहीं कर पाता, या फिर बहुत बच्चों का ये होता है कि यार मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे दिए, 5-5 बार में क्लियर नहीं हो रहा। मेन रीजन कि नेगेटिव मार्किंग। अब सबको ये लगता है कि 1/3 हो रहा है, बट सोचना पड़ेगा कि यार आप एक गलत करते हो ना तो आपका 1 नंबर सही वाला चला जाता है। बेसिकली जो नंबर आने थे 3 वो भी नहीं मिले और 1 नंबर उल्टा चला गया, तो टोटल आपका 4 नंबर का लॉस हो गया एक गलत सोचने पे कि भैया इस गलत को मैंने मार्क कर दिया। ये लोग समझते नहीं है, बस दिमाग में ये रहता है कि यार 1/3 है, अटेम्प्ट कर लो। दूसरी चीज सिलेबस को समझने का। सर सबको ना ये लगता है कि वो रीजनिंग में ना टॉप स्कोर करके आ रहा है, ये मुझे हर बच्चा बोलेगा, पूछूंगा ना कि यार बताओ तुम्हारा क्या वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है, ताकि मैं गाइड कर सकूं, तो मुझे बोलेंगे सर रीजनिंग तो मेरा स्ट्रॉन्ग है। मैंने लगभग जो बच्चे मॉक वगैरह देते हैं ना अपने ऐप के ऊपर, उनको मैं देखता हूँ, लगभग 1000 बच्चों का मॉक एनालाइज करूंगा तो मुझे दिखेगा कि यार उसमें ना 90% केस में इन लोगों ने सबसे ज्यादा गलती रीजनिंग के अंदर ही करी हुई है। और वो इसलिए क्योंकि बेसिक लॉजिक है कि एसएसबी के अंदर भी क्या होता है सर, स्ट्रेस के ऊपर सारी चीजें होती है, सारे टेस्ट में क्या है स्ट्रेस है, माइंड पे टाइम का स्ट्रेस होता है। यहाँ पे क्या होगा, आप एग्जाम जा रहे हो, आपके दिमाग पे थोड़ा प्रेशर है कि यार अच्छा स्कोर करना, ये करना है। जब थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया ना, रीजनिंग एबिलिटी पहले ही हिलती है, इंसान की सोचना पड़ता है ढंग से, उस टाइम पे रीजनिंग क्वेश्चन देखते ही फटाफट आंसर करना स्टार्ट करेंगे। और रीजनिंग में तो ये भी नहीं है कि आंसर आपका कैलकुलेशन करने पे आया या नहीं आया, सिंपल सा है भाई डायग्राम देखा, आपको आंसर बताना, माइंड कह रहा है कि यही है, टिक करके आते हैं, लगता है खुद को कि मैंने सही मार्क किया है, बट जब रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपके रीजनिंग लेके चला गया। तो अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन से हैं, वीक पोर्शन कौन से हैं, अगर कोई इसको समझ ले बस कि भाई मुझे कहाँ पे मेहनत करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, पैटर्न को समझ ले, सेल्फ कंट्रोल बढ़ा ले कि भैया जो आएगा उतना ही स्कोर करूंगा, ट्रस्ट मी वो पेपर अपना पहली बार में क्लियर चला जाएगा। और उसको कुछ नहीं चाहिए, बस ओवर अटेम्प्ट ना करे, पेपर को समझ ले और ये अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, इसका उसको पता रहे। यस ग्रेट। तो जाने से पहले कोई इम्पोर्टेंट मैसेज रिगार्डिंग कि एफकैट पेपर के बारे में या यूथ को कोई इम्पोर्टेंट मैसेज विच यू वुड लाइक टू गिव? बिल्कुल सर, मैं ये बोलना चाहूंगा सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर एफकैट एग्जाम दिया होगा ना, ऐसे कहते हैं कि एफकैट एग्जाम दिया होगा तो वो जानते होंगे मुझे। मैं बस आपको एक चीज बताऊंगा, मुझे बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, बहुत मतलब अगर सर मैं अभी बात करूँ तो 3-4 हज़ार मैसेज व्हाट्सएप पेंडिंग रहते हैं, तो मैं रिवर्ट नहीं कर पाता। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि आपके जो एफकेट के एग्जाम क्लियर ना होने का डाउट है ना, सबसे पहली चीज कि ये एक ऐसा एग्जाम है ना, जरूरी नहीं कि हर मोड पे तुम्हें कोई ना कोई हेल्प करेगा या पुश करेगा, राइट। अगर खुद को थोड़ा सा तुमने पुश कर लिया, अगले जो एग्जाम आपका अगस्त सितंबर में होने वाला है, नहीं नीड पड़ेगी, आराम से बहुत प्यार से क्लियर हो जाएगा। ये एक विश्वास है कि भाई अगर तुम पढ़ रहे हो शिद्दत से तो तुम्हारा पेपर क्लियर होगा, एटलीस्ट एफकेट तो कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी मेहनत करते रहो, ये जर्नी जब शुरू की थी मैंने तो मुझे भी नहीं आइडिया था कि इतने बच्चों को एड्रेस करने का मौका मिलेगा, चीजें आगे बढ़ती चली गई। तो भाई अगर तुम अपना बेस्ट दे रहे हो तो लाइफ में कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए भी बेस्ट है और तुम कर लोगे उसको। थैंक यू सो मच ऑल एंड थैंक यू सो मच सर अपने प्लेटफॉर्म पे ये मौका। नहीं यार, थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, लास्ट मैसेज फ्रॉम माय साइड विल बी कि देयर इज आई एम गिविंग गाइज अ रिमाइंडर, जो गिव अवे है वो ये है कि वाई यू वॉन्ट टू जॉइन एयरफोर्स एंड वॉट गिव्स यू दैट किक टू जॉइन एयरफोर्स। ठीक है, राइट द आंसर टू दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड 3 गाइज विल बी पिक्ड अप फ्रॉम डिफेंस मैनिया बाय डिफेंस मैनिया एंड उनको फ्री एफकैट गाइडेंस मिलेगी फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग पेपर विच इज इन आई थिंक सितंबर, राइट, अगस्त के एंड में, अगस्त के एंड में। तो फ्री गाइडेंस मिलेगी डिफेंस मैनिया से एंड ऑल्सो डू चेक देयर यूट्यूब चैनल, आई हैव टैग देम इन डिस्क्रिप्शन एंड इन टाइटल एज वेल एंड चेक आउट देयर वीडियोज विच दे हैव अपलोडेड फॉर फ्री एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।